हाय एवरीवन दिस इज दीपिका आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में और आज की इस डिस्कशन में हम मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे तो मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको समझने में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है और जनरली वो मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म को एक ही कंसिडर करते हैं और बहुत ही एक कॉमन सा डिफरेंसेस लिखने की कोशिश करते हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में डिफरेंस समझना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा एंड ट्रस्ट मी गाइज कि अंत तक आपको मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म के बीच का जो डिफरेंस है उसकी आपको क्रिस्टल क्लैरिटी ज़रूर हो जाएगी तो वीडियो को मैं डिटेल में शुरू करूँ उससे पहले एक हमार रिक्वेस्ट है गाइज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल में, में आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेक्चर्स मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ पर आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेरीज हैं मैं रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी वहाँ पर और किसी पर्टिकुलर वीडियो पर अगर आपको टॉपिक चाहिए तो भी आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं तो मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म के बीच में पहला आपका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक जो मार्क्सिज्म है ये बेसिकली इसका बेसिक फीचर है इकोनॉमिक डिटर्मिनेज्म अब इकोनॉमिक डिटर्मिनेज्म क्या है सोसाइटी को शेप करने में केवल एक फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स तो कुल मिलाकर मार्क्सिज्म में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अगर आपको किसी भी समाज को समझना है या समाज का जो बेसिक ढांचा है जो सोशल स्ट्रक्चर है उसे समझना है तो आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स का एनालिसिस करना होगा और इकोनॉमिक फैक्टर्स का एनालिसिस करके आप जो सोशल स्टेटस है आप उसका आइडिया लगा सकते हो और इस तरीके से अगर आपको स्टेट या अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी समझना है तो आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना होगा तो ओवरऑल मार्क्सिज्म सिर्फ किस पर फोकस करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स पर तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेज़म वहीं पर जो मार्क्सिज्म है ये कहते हैं कि नहीं भाई इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ में अदर फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि आइडिया कॉन्सियसनेस साइकोलॉजी राइट ये सारे फैक्टर्स भी हमें हेल्प करते हैं किसी भी सोसाइटी में पावर रिलेशनशिप को समझने में किसी भी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर को समझने में ओके okay, तो इकोनॉमिक uh, फैक्टर्स के साथ साथ में आइडिया कॉन्सियसनेस साइकोलॉजी रिलीजन कल्चर इन सब को भी इम्पोर्टेंस दिया गया नियोमार्क्सिज्म में देखो सबसे इसी पहले ही डिफरेंस से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़ कि जो नियो मार्क्सिज्म के आगे जो नियो लगाया गया ना इसमें बेसिकली क्या किया गया मार्क्सिज्म को अपडेट करने की कोशिश की गई मार्क्सिज्म को एक तरीके से री इंटरप्रटेट करने की कोशिश की गई क्योंकि नए तरीके की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप हो रही थी जिससे मार्क्सिज्म को चैलेंजेस मिल रहे थे तो इस तरीके से मार्क्सिज्म जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म था जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज मार्क्सिज्म था उसको अपडेट करने की ज़रूरत फील हुई उसमें उसको री इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो मार्क्सिज्म में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ में अदर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई समाज को समझने में या समाज में पावर रिलेशनशिप को समझने में ओके तो ये पहला डिफरेंस हो गया सेकेंड है कि जो मार्क्सिज्म है ये पॉजिटिविस्टिक एंड साइंटिफिक इन नेचर है वहीं पर नियो मार्क्सिज्म में ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन को भी जोड़ा गया पॉजिटिविस्टिक एंड साइंटिफिक में बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बींग को एक मैकेनाइज्ड वे पे एनालाइज़ करने की कोशिश की गई सोसाइटी को कुछ फंडामेंटल uh, प्रिंसिपल या साइंटिफिक वे में समझ समझने की कोशिश की गई आपने डायलेक्टिकल मेथड पढ़ा होगा जो जो मार्क्सिज्म का है ओके okay, जबकि नियो मार्क्सिज्म ने कहा कि भाई हम सिर्फ साइंटिफिक या पॉजिटिविस्टिक तरीके हैं ना जो 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 आपके साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उस पर ही हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर को समझने में हमें एक ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन को भी यहाँ पे समझना होगा क्यों क्योंकि अगर सोसाइटी को आइडियाज़ भी शेप कर रहे हैं राइट साइकोलॉजी भी शेप कर रही है तो हमें ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन को तो ऑन करना ही होगा ना उस चीज़ पर थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रो को सपोर्ट किया गया मार्क्सिज्म के द्वारा मार्क्सिज्म कहते हैं कि मार्क्सिज्म पॉलिटिकल फिलॉसफी कहती है कि हमें जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसे डिस्ट्रॉय कर देना है और हमें प्रो की डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करनी है ताकि हम जो सोशलिस्ट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें जबकि जो मार्क्सिज्म है ये कहते हैं ये जो मार्क्सिज्म है ये कहते हैं हमें एक एक होलिस्टिक वे ऑफ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है इन्होंने बेसिकली नियो मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म ने डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट को रिजेक्ट किया और नियो मार्क्सिज्म में सपोर्ट किया गया कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है ना कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मार्क्सिज्म में आ, क्या किया जाता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म को एनालाइज किया गया कि भाई जो कैपिटलिज्म है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे हुआ यहाँ पर कि जो सोसाइटी है वो दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस में डिवाइड हो गई एक बोर्जुआ क्लास दूसरी है प्रो क्लास सो so, जो जो बोर्जुआ क्लास है ये हैब्स क्लास है इसके पास ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जबकि जो जो आपकी प्रो क्लास है नॉट क्लास है वो वर्किंग क्लास है तो मार्क्सिज्म में मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी में कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था इसे समझने पर जोर दिया गया क्योंकि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था हर चीज़ इकोनॉमिक इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर एनालाइज किया जा रहा था वहीं पर मार्क्सिज्म पे इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया तो यहाँ पर कैपिटलिज्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझने में ज़्यादा ज़ोर दिया गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप एक वन डायमेंशनल मैन मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वन डायमेंशनल मैन बुक किसकी है तो वन डायमेंशनल मैन का कंसेप्ट लाया गया जहाँ पर यह बात की गई कि जो ह्यूमन बींग है ना वो एक तरीके से जो वर्कर हैं या ह्यूमन बींग हैं उनको एक मशीन की तरह ट्रीट किया गया या एक एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं जबकि ह्यूमन बींग में कॉन्सियसनेस है आइडियाज़ हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है तो यहाँ पर हमें सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट को नहीं समझना है आइडियाज़ पर भी कैसे प्रभाव डाला जा रहा है कैसे फॉल्स कॉन्सियसनेस जनरेट की जा रही है इस चीज़ पर भी जोर देना है ओके okay? नेक्स्ट है डिफरेंस मार्क्सिज्म कि स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड कोहर्सन और इसलिए इनका एम क्या था एक स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश करना तो ये लोग स्टेट को अबॉलिश करने के फेवर में थे वहीं पर नियो मार्क्सिज्म कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ स्टेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जो स्टेट है ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन ही नहीं है यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी है स्टेट सर्व कर रहा है जो जो डोमिनेंट क्लास है वो डोमिनेंट बनी रहे इस चीज़ को करने में किस इसमें सहारा किसका लिया जा रहा है आइडियाज़ का ओके जैसे आपने अगर आ, एंटोनियो ग्रामसी का विचार पढ़ा होगा तो उसमें आपने सिविल सोसाइटीज़ का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो जो मार्क्सिज्म है जैसे कि एंटोनियो ग्रामसी ये कहते हैं कि जो स्टेट हैं ये सिविल सोसाइटीज़ की हेल्प लेते हैं ताकि आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन क्रिएट किया जा सके और एक पर्टिकुलर क्लास का डोमिनेंस बना रहे लास्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में मार्क्सिज्म कहता है कि हमें कहाँ पर फोकस करना है इस स्ट्रक्चर्स पर तो ये स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा फिगर बना के यहाँ पर बताना चाहूँगी हालांकि मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन किया है आई होप कि अब तक आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड हाँ तो मार्क्सिज्म कहता है कि हमें जोर किसको देना है एनालाइज करने पे स्ट्रक्चर पर इस स्ट्रक्चर जैसे ये बेस कहते हैं और बेस में क्या आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप किसके पास है इकोनॉमी इस कैसे काम कर रही है ये बेस और या स्ट्रक्चर पे आते हैं जबकि मार्क्सिज्म कहते हैं कि भाई सुपर स्ट्रक्चर इज प्राइमरी ना कि स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्या है सुपर स्ट्रक्चर ये है और ये इसमें क्या आते हैं आपके स्टेट आ गया या इसमें अदर uh, uh, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली ये सारी चीज़ें रिलीजन ये सारी चीज़ें आती हैं सुपर स्ट्रक्चर में तो मार्क्सिज्म कहते हैं कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है हमें इसमें जोर देना चाहिए जबकि जो न्यो मार्क्सिस्ट हैं ये कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर इस प्राइमरी हमें इस पर जोर देना चाहिए ये वाला तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ये चीज़ दोनों का अपना अपना लॉजिक है हम पहले मार्क्सिज्म को समझते हैं मार्क्सिज्म क्यों कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है या प्राइमरी है मार्क्सिज्म इकोनॉमिक डिटर्मनिज़म की फिलॉसफी पर बेस्ड है मार्क्सिज्म कहते हैं मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहती है कि बेस डिसाइड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा कि मतलब जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम है यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि उप, जो स्टेट है वो कैसा होगा तो स्टेट क्या है एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है एक्सप्लोइटेशन का नियो मार्क्सिज्म कहते हैं कि भाई हमें सुपर स्ट्रक्चर को एनालाइज़ करना है जैसे एंटोनियो ग्रामसी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल हैज़े मनी करने में और कल्चरल हैज़े मनी करके एक पर्टिकुलर डोमिनेंट क्लास है जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका डोमिनेंस बना रहता है समाज में तो हमें एनालाइज़ क्या करना है इस सुपर स्ट्रक्चर को स्टेट को एनालाइज करना है सिविल सोसाइटीज़ को एनालाइज करना है अदर सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एनालाइज़ करना है कि किस तरीके से ये आइडियोलॉजी का सहारा लेते हैं किस तरीके से ये कल्चर का सहारा लेते हैं अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए ओके okay, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में तो ये था मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म के बीच में डिफरेंस आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी दोनों के बीच में फिर से मैं इसे क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ताकि आप आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इनके इनके कंसेप्ट को समझना तो आई मैं इतना बेसिक मानकर ये चल रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो यहाँ पर देखने आए हैं तो मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म की प्रीवियस वीडियोस जो मैं मैंने ऑलरेडी अपलोड की है इस चैनल पे वो आप देख कर आए होंगे तभी आप इन ये स्लाइड को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पहले मार्क्सिज्म की सेपरेट वीडियो देखिए मार्क्सिज्म की सेपरेट वीडियो देखिए उसके बाद से ये डिफरेंस वाला आ, स्लाइड देख सकते हैं क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलरली वीडियो क्रिएट की है आपको डिफरेंस समझाने के लिए तो अगर आपको मार्क्सिज्म पर्टिकुलर uh, मार्क्सिज्म समझना है या पर्टिकुलर नियो मार्क्सिज्म समझना है तो वो सेपरेट वीडियो ज़रूर जाकर देखना ओके तो आई होप कि डिफरेंसेस क्लियर हैं यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और अदर इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड यस सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग